एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहीं कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है, जन्माष्टमी के वीडियो का सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप सभी से कहा ही था कि डांसिंग वीडियो होगा ये, तो आप सभी को पता है यहीं पर मैंने वीडियो का एंड कर दिया था। और जन्माष्टमी के दिन मैं निर्जला व्रत थी, तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड में, सच बता रही हूँ। ऊपर से डांस वगैरह मतलब नृत्य वगैरह हो गया ना उसमें, और ही ज़्यादा मेरे पैर वैर में ना कंपन होने लगा था। बट फिर भी कैसे भी करके मैंने डांस किया, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बट प्लीज़ यार, कोई भी बैड कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मतलब आता नहीं है। मैं कोई डांसर नहीं हूँ, बस छोटा मोटा ऐसे ही, मैं जल्दी करती भी नहीं हूँ आप सभी को बता दूँ। ऐसे ही किसी फंक्शन, और वो भी मेरी सभी सासों ने मिलकर जो है मुझे नचवा दिया। मेरी जितनी भी सासू माँ है ना, सब ने मिलकर नचवाया। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड, अभी बजने जा रहे हैं रात के 2, और जस्ट अभी सब ऊपर आ रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ चाय वगैरह लेके। हालांकि मैंने चाय पी लिया है, और अब जो है सोच रही हूँ ये सारा लुक निकाल दूँ, और रेडी होने के बाद मैं आप सभी से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन पकड़ सकूँ। बात करने की तो बहुत दूर की बात है। तो अभी जस्ट पानी पिया थोड़ी देर पहले, तो कुछ राहत हुआ। बट अगर सही पूछ रहे हैं ना, तो वीकनेस आ गई है, तबीयत जैसे खराब हो जाएगी ऐसा लग रहा है। बिना पानी की हालत गंभीर हो गई है, मेरी आवाज एकदम दब गई। आज मम्मी को होना चाहिए था, मेरी पिछली बार मम्मी थी, बुआ की लड़की थी, रोमी दीदी थी, इस बार मम्मी नहीं है, चाची थी। हालांकि सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छे से, नेक्स्ट टाइम से भी अच्छा हुआ, मतलब इसके पहले वाले समय से भी अच्छा हुआ इस बार। लेकिन फिर भी पिछली बार मम्मी थी तो अच्छा लग रहा था और ज़्यादा, इस बार नहीं है तो थोड़ी कमी तो उनकी लगी रही है। बट सबने बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत की आज के दिन। मैं तो व्रत थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया आज, पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं छुआ है। चाची ने सुबह ही बोल दिया कि किचन में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तो सुबह से ही मेरी छुट्टी हो गई किचन से। शाम को जो है खाना घर पे नहीं था, इनविटेशन पे थे सब, तो शाम को भी किसी ने मतलब खाना बना ही नहीं, सुबह भी नहीं बनाया, शाम को भी नहीं बनाया। और इसके बाद जो है मुझे कोई काम नहीं था, मैं बस नहा के आई पूजा करके, उसके बाद मैं सोना स्टार्ट किया मैंने, और पूरा दिन सोया मैंने। बट कुछ भी कहो यार,
बिना पानी के नींद भी नहीं आती है। तो वैसे तो लग ही रहा है कि कुछ नहीं खाया है दिन भर से, और मेरा खाने का मन भी नहीं कर रहा था, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, बस मुझे प्यास लगी थी। पानी पिया, चाची ने चाय बनाया, चाय पिया, और एक दो फल जो मुझे मिले थे वो मैंने खाए, बस इतना ही। अब आप सभी कहोगे इतना कम खाया, रोज़ कितना कुछ खाते थे, आज सेब और केले और फलाहार भी नहीं बनाया क्योंकि सब बहुत बिजी थे। शाम को चाची जो है वो पूरा सजावट, आपने देखा ना, वो मुझे लगता है 4-5 घंटे की मेहनत थी उनकी, तो वो बहुत बिजी थी। मुझे किचन में आज जाना ही नहीं था, चाची ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। और तो फिर शाम को, मतलब पूजा होने के बाद, चाची बैठ गई बनाने के लिए फलाहार लिए, बट मैंने कहा जाने दो, अब सुबह उठ के 4 घंटे बाद खाना ही है तो मत बनाओ। वो लेकिन मान नहीं रही थी, बट मैंने कहा जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना, मुझे भूख भी नहीं लगी है। मुझे लगता है पहली बार इतना अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया है जन्माष्टमी। पिछली बार तो नहीं किया था, इस बार किया है बट, और बहुत अच्छा भी लगा इस बार किया, लेकिन सोच रही हूँ अगली बार से ना पानी वानी पी के रखूँ, हालत गंभीर है मेरी, सच बता रही हूँ। मुझसे बोला और हंसा दोनों ही नहीं जा रहा है। मेरे पैर वैर में ना ऐसे झुंझुनाहट टाइप का हो गया है, वो जो नृत्य वगैरह कर दिया ना, भरतनाट्यम वगैरह उसकी वजह से, क्या बताऊँ, मन नहीं था लेकिन अब बड़े इंसिस्ट कर रहे थे तो सोचा। और ये जो साड़ी है ना, ये जो मैंने साड़ी वेयर की हुई है, इसका ये जो है ना गोटा पट्टी, ये बहुत हैवी है, इसमें स्टोन वर्क है सब। तो इससे क्या होता था ना कि मैं अगर पल्लू यहाँ तक करना चाहती थी ना, तो वो पूरा यहाँ तक लटक के आ जाता था तो मेरा फेस जो है वो ढक जाता था। तो चलिए, मैं 4 घंटे तो आप लोगों से बात कर ही नहीं सकती हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।